तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताएं, चंडीगढ़ बुलाने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। कई साथी नए हैं जिन्हें चुनाव की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। आज शाम बुलाया गया है, कल भी विधायक वहीं रहेंगे। मूलचंद शर्मा ने यह जानकारी दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह जानकारी दी। निर्दलीय उम्मीदवार अगर मैदान में हैं तो जीतने के लिए उतरे हैं। आंकड़ों के आधार पर ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते हैं। विधायकों को चंडीगढ़ बुलाने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी बात रखी है। भाजपा, जजपा और कई निर्दलीय विधायक जो चंडीगढ़ बुलाए गए हैं आज, उसको लेकर मूलचंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। नहीं, राज्यसभा का चुनाव 10 तारीख को तो सभी विधायक, 9 तारीख को सभी विधायकों को आना था जी, और आज 8 तारीख को सभी विधायकों को बुलाया है। कुछ नए विधायक साथी जिनके जानकारी जो राज्यसभा की वोटिंग होनी है उसकी जानकारी भी पूरी तरह देंगे कि वोट किस तरह डलेगी, क्या क्या उसके क्राइटेरिया रहेगा, और सभी विधायक मिलकर पूरी जानकारी से। तो इसके लिए 2 दिन का वक्त लगेगा सर, 2 दिन के लिए बुलाया है? नहीं, एक रात है और कल सारे दिन रहेंगे। विधायक जाएगा कहाँ, आएगा तो फिर जाना भी नहीं है ना, वहीं रहेगा। ठीक है, और ये भी है कि परसों वोटिंग है सुबह 10 बजे, तो फिर परसों ही सभी विधायकों की होटल से वापसी होगी वोटिंग वाले दिन। वो जाके पूछेंगे संगठन क्या तय करें, मुख्यमंत्री जी क्या रखेंगे, भाई कल रहना है परसों रहना है, सारी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जज्बा आजाद विधायकों ने मत दिए तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्तिक चुनाव जीतेंगे। रवि बताइए अपडेट जरा। बिल्कुल केशव, देखिए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा और जसपा निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाने पर बयान दिया है। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कई साथी नए हैं जिन्हें चुनाव की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। वहीं 2 दिन तक होटल में रखने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि आज शाम बुलाया गया है, कल भी विधायक वहीं रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव है, 10 जून को चुनाव होना है, ऐसे में किसी समय वह कैसे भी विधायक निकलेंगे, ये संगठन की तरफ से आज जो जानकारी है वो दी जाएगी। 10 तारीख को विधायक निकलते हैं या कल देर शाम जो है विधायक वहां से निकलेंगे, इसकी जानकारी जो है बैठक के बाद वहां दी जाएगी। वहीं अगर निर्दलीय उम्मीदवार अगर मैदान में हैं तो जीतने के लिए उतरे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जो है किलेबंदी की है, अपने हिसाब से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय विधायक, निर्दलीय कैंडिडेट हैं कार्तिकेय शर्मा, उनके पास आंकड़े हैं तभी उन्होंने मैदान में उतरने की तैयारी की है जी। अभी तक कैसे पहुंच रहे विधायक, कितने पहुंचे आंकड़ा? बिल्कुल केशव, अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता यहां पहुंचे हैं, गृह मंत्री अनिल विज यहां पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, राज्य मंत्री अनूप धानक और उनके साथ कई जेजेपी के विधायक भी पहुंचे हैं, बीजेपी विधायक अरविंदर कल्याण भी पहुंचे हैं, बीजेपी विधायक अभय यादव भी यहां पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो जानकारी है और धीरे धीरे जो है आवागमन जो है वो जारी है और तमाम जो विधायक हैं वो अभी तक जिस हिसाब से तमाम जो विधायकों को बुलाया गया था अभी तक सारे विधायक नहीं पहुंचे, कुछ ही देर में तमाम विधायक यहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है जी। ठीक है रवि, नजर बनाकर रखिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारियां दी, अपडेट्स दी और मूलचंद शर्मा ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर ही कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरता है। विधायकों को